इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। तो जब नमो पंच परमेष्टी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुलक शिक्ष पांच गंभीर सागर जी महाराज की, सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, कृतकृत्य बेदक सम्यक दृष्टि क्या होता है? इन जीवों का मरण नहीं होता क्या? और कृतकृत्य बेदक सम्यक दृष्टि जीव छपक श्रेणी चढ़ सकता है क्या? कृतकृत्य बेदक उसे कहते हैं जब कोई छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख होता है, जिसने मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का क्षय कर दिया है, सम्यक प्रकृति का बहुभाग भी क्षय कर दिया है, एक अल्प भाग रह गया, उस समय कृतकृत वेदक होता है। कृतकृत वेदक में जीव का मरण हो सकता है। कृतकृत वेदक वाला छपक श्रेणी श्रेणी नहीं मार सकता, क्योंकि कृतकृत वेदक जिस समय है उस समय श्रेणी नहीं मरती। मरण जरूर हो सकता है, क्योंकि कृतकृत वेदक वाला मर कर के यदि वैद्यायुष कहे तो नरक भी जा सकता है, त्रियंश मनुष्य देव भी जा सकता है। तो वह मात उस समय क्योंकि उस दशा को प्राप्त हो जाता है कि अब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेगा, उसको बोलते हैं कृतकृत वेदक। अर्पिता जैन थांडला से पूछती हैं, नमोस्तु विदेव, घातायुष कब होता है, जीवन काल में या मरण के समय? घातायुष के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आगम में नहीं है। घातायुष को होता है ये स्पष्ट है, वो घातायुष अपकर्ष काल में होता है या मरण के काल में होता है इसका स्पष्ट रूप नहीं मिल रहा है। अपकर्ष तो होता है, जैसे मान लो किसी ने 33 सागर की आयु बांधी राजा श्रेणिक ने, और वो मर करके अपकर्ष आयु करके 84,000 वर्ष ले लिए, लेकिन ये 84,000 वर्ष उसने कब किए हैं ये उल्लेख नहीं मिल रहा है। घातायुष भी होते हैं, देवों में भी घातायुष होते हैं, लेकिन वो घातायुष का समय क्या है? क्या वो 8 त्रिवली जो पढ़ते हैं 8 भाग आयु बंद के, उसी समय अपकर्ष होता है? मध्य में तो होने का सवाल ही नहीं कि वो आयु बंद का काल परिणाम नहीं मिलते,
या अंत में मरण के समय घाता होता है। मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि जब जब उसके आयु बंद के अपकर्ष काल आते हैं उस समय उस आयु की हीना दिखता होना चाहिए। मैंने पहले में बांध दिया, दूसरा अपकर्ष आया तो कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है, तीसरा आया तो उसमें भी कम बढ़ हो सकती है। अंतिम के समय पर जो अपकर्ष काल है उस समय जो स्थिति बन जाएगी उसी में जाके जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यह भी आगम पढ़ने पर संकेत मिलता है कि अपकर्ष कालों में अपकर्षण न मान के अंत में जब वो मरण करता है उस समय जो उसके लेशिया आदि के परिणाम होते हैं उन परिणामों के कारण से अपकर्ष हो जाता है। क्योंकि अपकर्ष करने में कोई परिणामों को, कोई कर्म वर्णाओं को, आयु कर्म को आदि को कुछ नहीं करना, जो बंधा है उसकी स्थिति घात करना है। तो इस संबंध में ऐसा एक अपकर्ष पक्का है, होता है, घातायस होता है, आयु कंबड़ भी होती है, उत्कर्ष भी होता है। किसी जीव ने मान लीजिए छोटी आयु बांधी और बाद में जाकर उसने आयु को बद्धायस जो बधी हुई आयु है उसको अंदर अंदर बढ़ा करके तेतीस सागर कर लिया, तो ये दोनों होते हैं। लेकिन समय के संबंध में आचार्यों का स्पष्ट संकेत नहीं है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव को चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जहां तर्क है वहां नरक है, महाराज जी क्या विचारों की अभिव्यक्ति इतनी बुरी होती है? जहां तर्क है वहां नरक है, क्या विचारों, किसी ने तुकबंदी जोड़ दी, जहां तर्क है वहां नरक है, तो वो कह रहे हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति इतनी बुरी होती है क्या? नहीं नहीं, तर्क तो एक सम्यक ज्ञान है। अनुमान, तर्क, ये तो सब सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कुतर्क कहो, तर्क मत कहो, कुतर्क कहो। कुतर्क जहां है वहां निराक है, तर्क जहां है वहां तो मोक्ष है और मोक्ष मार्ग है। तर्क के बिना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा, वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी जब तक तर्क नहीं होगा। हमारे यहाँ निर्णय किया गया किसी वस्तु का निर्णय तर्क संगत होना चाहिए। यदि तर्क संगत नहीं है तो फिर ज्ञान तो फिर अंधा हो जाएगा। ये आपका मानना बहुत गलत है। कुतर्क की बात आप कह सकते हो, तर्क की नहीं। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचरण की अपेक्षा मनुष्यों के कितने भेद होते हैं? आचरण की अपेक्षा से जितने चाहे भेद कर लो, दो भेद कर लो मुनि और श्रावक, तीन भेद कर लो मुनि आरिका श्रावक, चार भेद कर लो मुनि आरिका छुल्लक एलक और श्रावक, पांच भेद कर लो मुनि और ये चार और एक प्रतिमाधारी, और भेद करना है तो पाक्षिक और नैष्ठिक। तो भेद तो अपने ऊपर है, जितने चाहे करते जाओ कर सकते। मलेक्ष आर्य खंड के आर्य खंडी, मलेक्ष खंडी, जाति की अपेक्षा कितने करते जाओ ऐसा। अतुल जैन पंडरा, नमोस्तु गुरुदेव। पंचेंद्रिय जीवों में कुल अधिक होते हैं एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा, जबकि पंचेंद्रिय जीवों की जाति कम होती है एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा, ऐसा क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय के कुल के रूप में क्या है कि ये इनका जो रूप है, इनकी जो स्थितियां हैं, मनुष्यों में ज़्यादा वैरायटियां होती हैं, देवों में भी उनके कुल। तो कुल तो एक शरीर की परिणतियों के हैं, ब्लड ग्रुप त्रियंशों में नहीं मिलते, मनुष्यों में मिलते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि त्रियंशों के शरीर में भी ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। पहली बात तो उनको खून चढ़ाता ही नहीं कोई, लेकिन आज तक ये सुना नहीं कि किसी त्रियंश का गुण ये है कि बी है कि सी है। तो अब पशुओं के जितना जितना बढ़ता है उनकी उनकी सुविधाएं बढ़ जाती हैं ऐसा। वैभव जैन सूरत से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि से नमन। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान भी क्या नमोकार मंत्र को जपते हैं? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। वे खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं
अभी दो दिन से प्रवचन भी मैं यही दे रहा हूँ। वे इतने महान हैं कि वो किसी का सहारा लेते ही नहीं हैं और संकल्पबद्ध होते हैं, संकट आने पर भी वो सहारा नहीं लेते, वो सहन करते हैं। इंजीनियर केसी जैन इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी अगर कोई हमको जय जिनेन करता है तो हम जय जिनेन का जवाब देते हैं, और अन्य व्यक्ति अगर हमें कुछ अन्य चीजों से संबोधन करते हैं तो हम उन्हें कैसा जवाब दें? आप भी जय जिनेन कर लो और क्या, वो अपना भगवान का नाम लो, तुम अपने अपने भगवान का नाम लो, कुल मिलाकर के दोनों अपने अपने भगवान का नाम लो, वो अपने अपने भगवान का नाम, कोई जरूरी नहीं कि जो वो बोले वही बने, ऐसा नहीं है। वो अपने भगवान का नाम ले रहे, हम अपने नाम का ले रहे। कमलेश जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल शादियों में देखा जाता है कि लगन गोधूली बेला में लगती है, पर उसमें पूजन हवन और विसर्जन करते हुए रात्रि हो जाती है, तो क्या महाराज जी रात्रि में यह कार्य उचित है क्या? उचित तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश में बहुत गंदा शब्द चलता है, आपको नया वर्ष मुबारक हो, तो वो ये नहीं बोलता आपको भी नया वर्ष मुबारक, वो कहते सेम टू यू। यानी उसके लिए अपने लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, तूने मुझे किया तो जैसा तूने तेरी भावना हो, अच्छे से कहा हो तो तेरा अच्छा, बुरे से कहा हो तेरा बुरा अच्छा। हमारे यहाँ से नहीं चलता, हमारे यहाँ उसने बोला नया वर्ष मुबारक हो तो अपन बोलेंगे तुझे भी शुभ दिवाली, सेम टू यू नहीं बोलेंगे। मान लो किसी ने कहा शुभ दिवाली, तो हमारे यहाँ ये नहीं है आपको भी, जैसी आपको, आपको भी कह देंगे लेकिन जैसी आपने मुझे कहा है वैसे ही आपको, बहुत बदमाश ये। मतलब उसने कहा कि भाई नया दिवाली शुभ दिवाली, तो अपन ये कह देंगे आपको भी शुभ दिवाली हो, लेकिन सेम शब्द नहीं लगाएंगे। सेम का अर्थ है जैसा तुमने मुझे कहा वैसे ही तुम्हारा हो, ना आगे ना पीछे। तो ये सेम टू यू हमारे यहाँ नहीं चलता है, वो अपनी भाषा में बोले तुम अपनी भाषा में बोलो, उसने जो कुछ कहा तो ठीक है, तुम कहो जय जिनेन साहब, सेम टू यू नहीं कहना। रजत जैन शामली उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निर्माण लाड़ू जो चढ़ाया जाता है उसकी भी क्या कोई मर्यादा होती है? दो तीन दिन पहले उसे बना सकते हैं क्या? उसमें यही है कि जो बूढ़े की मर्यादा है वो ही मर्यादा उसकी मानना चाहिए, जिस ऋतु में बूढ़े की मर्यादा जो मानी गई है उसी ऋतु में वैसा ही मानना चाहिए। रवि जैन पत्रकार भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर के कलशों पर स्वर्ण चढ़ाने के लिए स्वर्ण को चमड़े आदि में कूटा जाता है और वर्ग बनाया जाता है, ये सब पुरानी बातें हैं, अब नहीं तो चमड़े ही नहीं मिलता आजकल, नए पैटर्न में तो अब अलग अलग आ गए। अच्छा, आज वो रैगजीन वगैरह लगा, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज, अब चमड़े बमड़े के प्रयोग वगैरह के समय गए, पहले हैंड पंप में काय का बासल लग रहा था चमड़े का, चमड़े का, तो अब काय का चमड़े बमड़े का, तो बहुत सारी चीजें चल गई, पुराने जमाने की चीजें हैं। और ये और मंदिर में तो तुमने मान लिया, अरे ये कहो कि आपके पहनने में चमड़े के जूते चप्पल है उनमें विकल्प नहीं करोगे काय के, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत आधुनिक चीज से चल गए हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी और सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाख लाख भक्त और यहां उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज निर्यापक समान तीस चक्रवर्ती मुनि पोंगसी सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, जिस भी मंदिर या तीर्थ में पहुंच जाते हैं निश्चित मान करके वहां की समाज चलती है कि अब यहां का विकास निश्चित है, क्योंकि उस मंदिर या तीर्थ की भूमि पर
जो भी वास्तु का दोष होता है उसको निवारण करने का सौभाग्य समाज को प्राप्त होता है, महाराज जी का निर्देश होता है। और जहां जहां भी महाराज जी ने जो निर्देश मंदिर संबंध में वास्तु निवारण के दिए, जिस समाज ने या जिस क्षेत्र ने उसका पालन किया है, निश्चित रूप से वह समाज और क्षेत्र आज विकास की ओर है। कई मंदिर तो गुरु जी ऐसे देखे हैं कि आपके जाने के पहले वहां ये स्थिति थी कि मंदिर में बिजली का बिल यदि ज्यादा आ जाता था तो उनके पास फंड नहीं रहता था कि वो कहां से देंगे। लेकिन आप उसके बाद उस मंदिर में पहुंचे, आपने वास्तु का दोष को निवारण कराया और वहां के जो भगवान थे उनको उच्चासन दिया। आज उन मंदिरों में एक एक घंटे अभिषेक करने के लिए लाइन लगती है, एक एक घंटे लोग लाइन लगा के खड़ा। जहां 2 किलो दिन भर में द्रव्य नहीं चढ़ती थी, बाज वहां करके माली लोग समेट नहीं पाते हैं, इतनी ज्यादा द्रव्य चलती है। और मंदिरों में आपने एक और जो लोगों को आशीर्वाद दिया है, जिससे लोग भी धर्म से जुड़े और मंदिर की भगवान की प्रभावना हुई, असीम कालीन भक्तांबर विधान, जो कि कल से नंदीश्वर जिनालय हमारे टीकमगढ़ में भी प्रारंभ हो रहा है महाराज जी के आशीर्वाद से। और लगातार 365 दिन आजीवन जब तक जीवन रहेगा ये विधान चलते रहना है। और बहुत सारे सौभाग्यशाली लोगों के उसमें नाम भी आ गए हैं, और जिनको देना हो तो नंदीश्वर मंदिर में आप नाम लिखा दें, आपके भी नाम से परिवार के साथ एक वो विधान होगा। तो निश्चित रूप से मान करके चलना कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य जिस मंदिर को मिल गया और जहां के वास्तु इत्यादि के जो भी दोष थे वो सुधर गए, अब उस मंदिर का विकास पक्का है। और एक साक्षात उदाहरण अपन सब देख रहे हैं माझ मंदिर का, जो कि बहुत अव्यवस्थित था, लेकिन अब जब पाषाण का बनेगा तो यहां पर ही भक्तों की लाइन और भीड़ लगने वाली है हमारे पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर में। एक जिज्ञासा अभी गुरुदेव ऑनलाइन आई है। नमोस्तु गुरुवर, परम गुरु भक्त रमेश जी गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, गुरुवर किसी व्यक्ति पर किसी महान आत्मा के इतने उपकार हैं जिनकी गिनती नहीं हो सके, तो उस व्यक्ति का क्या उस महान आत्मा से कोई पूर्वभाव का संबंध है या कोई कर्म का उदय होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखो संबंध तो एक ही है कि महान आत्मा उसका उपकार पुण्यात्माओं पर होता है। और जो प्रश्न कर रहा है इसका महान आत्माओं के संबंध 3 पीढ़ी से है। हमारे पूज्य जय कुंतीलाल गदिया के बेटे हैं नसीराबाद के, और नसीराबाद के जितने लोग हैं इनके 3 पीढ़ियों से संबंध है। ये आचार्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज के अनन्य संबंध हैं इनका उपकार इनके ऊपर। फिर पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज के परम भक्तों में हैं, और जो इन दोनों का भक्त है तो अपना तो रुगन में ये भक्त मिल गए। आपके ही परम इन दोनों के भक्त थे तो हमारे भक्त तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो 3-3 मुनिराजों का, क्योंकि पूरा परिवार नसीराबाद के प्राय सभी लोग ज्ञान सागर महाराज की 3 पीढ़ी के अनन्य भक्त हैं। और ये आचार्य श्री गुरु महाराज आचार्य महाराज, और इनके लिए इतनी अटूट श्रद्धा है, इनकी अटूट श्रद्धा है। पूरा परिवार आचार्य ज्ञान सागर पर, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज पर, पूरे संघ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। इनके जीवन दाता यही हैं, इनके प्राण यही हैं, इनके प्रातः स्मरणीय यही हैं। ये 3 पीढ़ियां ही इनका आधार है। अब ये जो उपकार तुम्हारे ऊपर है महान आत्माओं का, ये कोई संसार का संबंध नहीं है, ये जन्म जन्म के पुण्य का संचय है। पूर्व भव में जब आयु का अंत आने वाला होगा तब तुमने और तुम्हारे परिवार ने ये भाव किया होगा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ जन्मूं वहाँ हमारे कुल में हमारी पीढ़ी में सदा मुनिराजों का आशीर्वाद रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुनिराजों का आशीर्वाद, मुनिराज की कृपा और बहुत बड़ी चीज़ है। एक कृपा और एक आशीर्वाद की भावना जो व्यक्ति भाते हैं जन्म जन्मांतरों से, तब कहीं जाके मुनिराजों का आशीर्वाद या उनका उपकार इनके ऊपर मिलता है। मुनियों का उपकार मोह भाव आदि से नहीं होता है, जन्म जन्म की भावनाओं से होता है।
और नियम से पूर्व भाव का इस भाव का संबंध नहीं है। वो एक वीरेंद्र रविंद्र ने गाया था ना एक गाना, बिन कारण जो साधु बनता पूर्व जन्म का त्यागी, ऐसा कुछ है, बिन कारण जो साधु बनता वो पूर्व जन्म का, अनायास ये सब सहयोग मिलना, नियम से ये जन्म जन्मांतरों का कोई ना कोई पुण्य, कोई ना कोई, क्योंकि कोई भी भली वस्तु पुण्य कर्म के उदय से मिलती है, और उस भली वस्तु का उपयोग, भली वस्तु का जो उपयोग है वह पुण्य से नहीं होता, वो हमारे विवेक से होता है। और तीन तीन पीढ़ियों के प्रति तुम्हारी जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, यही श्रद्धा को कायम रखना, शायद चौथी पीढ़ी को भी यही मौका मिल जाए, और चौथी पीढ़ी का भी यही मौका मिल जाए। हाँ, ये तीन पीढ़ी तो हो गई, चौथी पीढ़ी को भी यही मौका मिल जाए, ऐसी भावना करो। और जब तीन पीढ़ी को मिला है तो चौथी पीढ़ी को भी, चौथी पीढ़ी का मिल सकता है। महाराज से अभी गांधीधाम जब मैं पर्यूषण में गया था तो कुंतीलाल जी कई संस्मरण सुनाते थे आचार्य ज्ञान सागर जी, विद्या सागर जी के। और एक रमेश जी ने संस्मरण सुनाया कि 35 साल पहले वो गांधीधाम गए थे एक नौकरी करने कटारिया ट्रांसपोर्ट में, अभी से 35 साल पहले लगभग, और आपका आशीर्वाद, और बोले आचार्य जी का आशीर्वाद क्या पता कैसे फलित हुआ कि आज वहां कर जाकर के देखा तो उनकी खुद की एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है जिनका करोड़ों में टर्नओवर है। तो पूज्य गुरुदेव का आप आशीर्वाद देखें कि जिनको ऐसा फलित होता है, श्रद्धा रखते हैं और ऐसा फलित होता है कि जो जॉब करने जाते हैं वो भी बड़े सेठ बन जाते हैं। ऐसे कई सेठ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बने हैं और अब टीकमगढ़ नगर के भी कई सेठ बनने वाले हैं, क्योंकि जो गुरुदेव के सानिध्य में दान देता है उसको हमेशा सेठ ही बना है। अब जिज्ञासा करें परम गुरुभक्त शीलचंद जी जैन अनोरा दाऊ, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती निधि जी जैन मस्तापुर। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मणि पुंगव श्री सुदासा महाराज को कोटिशा नवोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार तिली से गुली से और मूंगफली से तेल तो हर एक निकाल सकता है, तिली से गुली से और मूंगफली से इनमें से तेल तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन मेरे गुरुवार सुदासा का तो रेत में से तेल निकालते के दिखा दिया। जैसे जब कीकर वाले ललितपुर पहुंचते थे तो कहते थे भैया अपने यहाँ तो जितने मंदिर उतनी कमेटियां हैं, उतने अध्यक्ष उतने मंत्री हैं, अब क्या होगा, तो कुछ कहते चलो सब देखा जाएगा, जो हुआ वो देखा जाएगा। लेकिन मेरे गुरुवार ने यहाँ आके एक झंडे के नीचे सारे कमेटियों को कर दिया। आप सब लोग देख लिया होगा कि एक कोई नहीं रहा, कि सब लोगों ने जहां जहां से आया वहां से दान दिया। हे गुरुवर, हम चाहते हैं कि ललितपुर में चार चातुर्मास और पांच पंचकला हुए, इसी प्रकार टीकमगढ़ में ही इस प्रकार के हों तो हमारी, तो उसमें हम लोगों को भी बहुत फायदा रहेगा। हम लोगों को जो 700 और 600 किलोमीटर जाना पड़ता वो नहीं जाना पड़ेगा। हे गुरुवर, आप तो यही, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे गुरुवार तालियों से नहीं मानते, ना मेरे गुरुवार पैसों से मानते हैं। मेरे गुरुवार के सामने अगर मुख से निकल गया 5000 कलश चाहिए तो एक घंटे 5000 कलश वाला आ जाता है। मेरे गुरुवार की बरात बहुत लंबी है। मेरे गुरुवार की बरात जब बिजोलिया से चमड़े से जा रही थी तो ललितपुर वालों ने 500 आदमी लेकर के एक बूंदी और लड्डू भरे और एक गाड़ी में बैग और माला और साल भरे और जाके 5000 आदमी का सम्मान किया था। मेरे गुरु भाई ऐसे नहीं मानते कि इन तालियों से मान जाए, इनको कोई मतलब नहीं तालियों से और पैसे से। जब मेरे गुरुवार, आप देख लेना, मेरे गुरुवार जब यहाँ से बिहार करेंगे तो आप देखना ध्यान से, पिछली कोई ऐसे ऐसे करेंगे तो आप नहीं समझ पाते क्यों किया है। जब अपन लोग मंदिर आते तो पैर धो के जाते हैं और जब बाहर आते तो हाथ धो जाते, ऐसे मेरे गुरुवार यूं हला के जाएंगे, तुम्हारा तुम्हारे पास है, मेरे पे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आज लगता है आपने टीकमगढ़ का भोजन किया है शाम को।
सर हो गया, सुने 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 अभी नहीं, मैं प्रिंसिपल तो करने दो अभी। हे गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है, बात तो बहुत कहने थी, फिर आगे करेंगे कि जब आप प्रचंड गद्दी पर बैठते हैं, जिज्ञासा भी गद्दी पर बैठते हैं, तो आप चूल्हे की, चकिया की, भूत की, प्रेत की, प्रेम की और लव मैरिज की और शादी की सारी बातें को बता देते हैं, लेकिन जब कोई कमरे में जाता है तो आप कहते हैं बाहर हो जाओ, ये तो मिथ्या है, हमसे मत पूछो और किसी जाके पूछो। तो हे गुरुवर, वह सत्य है कि ये सत्य है? अब सुनो, पहली बात, गुली, तिल्ली और मूंगफली का तेल तो सब निकालते, ये कहो तो हमने रेस से तेल नहीं निकाला, यहाँ मऊआ में से तेल निकाला है। आज तक दुनिया में मऊआ का शराब मिलती है, मऊआ का, और अपन ने शराब को तेल में बदल दिया है, अनोरा वालों ध्यान दो। दूसरी बात है, ललितपुर का वैभव देख के टीकमगढ़ वाले कह रहे थे भाई ललितपुर वालों की कृपा से हमें कुछ मिल जाएगा। ललितपुर आए हैं तो नंदीश्वर जी कॉलोनी वाले कहते थे, बिमल जी वगैरह, हमारे हिम्मत नहीं कि महाराज जी कभी टीकमगढ़ आएंगे, लेकिन ललितपुर आए तो उम्मीद बनी कि ललितपुर आए हैं तो हमें कुछ। और वारे टीकमगढ़ वालों, आज ललितपुर वाले कह रहे हैं टीकमगढ़ आ जाए तो हमें मिल जाएगा। ठीक ना, अब यही जमाना है, गुरु घुड़े मतलब जो ये चाहते थे ललितपुर की छाया हमें मिलेगी, अब ये कह रहे कि टीकमगढ़ आएंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा मतलब गड़बड़ है। यानी ललितपुर वालों को लग तो रहा है कि टीकमगढ़ में हुआ क्या, हम चार चतुर्मास में कर पाए, इन्होंने तो बनी चतुर्मास ही कर लिया। और श्रीचंद जी, ज्यादा प्रशंसा मत करो भाई, क्योंकि 100 में से 99 तो खुश होते हैं, एक आग पर सीने के ऊपर सांप लौटता है। और यही प्रशंसा और यही परेशानी कई बार मुझे भी परेशानी का कारण बन जाती है, कुछ सहन नहीं कर पाते लोग। अब यहां पर मैंने सुना एक बात कि एक व्यक्ति ने यहां कहा कि महाराज जी आ रहे हैं, तुम लोग इतने उत्साहित हो, इतनी बड़ी आगवानी कर रहे हो, दूर से महाराज हमारे आएंगे तो उनकी भी ऐसे आगवानी करोगे क्या? अरे मैंने जब ये सुना तो पहले तो मैं समझता था कि हाँ मऊआ ही हो बिकते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, ये मऊआ की पीते भी हैं। हाँ, किसी ने ऐसा कहा तो वहां की स्थिति देखो, अब कितनी बड़ी विचित्र स्थिति। अब मैं कहूँ ये कि आचार से जहां पहुंचते हैं उनकी जैसी आगवानी हो तैसी मेरी होना चाहिए। बोलो कहां राजा भोज और कहां गांगू। आचार्य सी तो आचार्य सी हैं, खुश होना चाहिए रे, ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी प्रभावना हो रही, हमारे गुरु आएंगे तो कितनी प्रभावना के ऐसी आगवानी करोगे। अरे आचार्य सी, और कल के दिन तीर्थंकर आएंगे तो जब हम तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाए ऐसा मेरा भी बर्थडे मनाओ। कहना कल कि जब भगवान आदिनाथ का जन्मदिन ऐसा मनाया जाता है तो मेरा भी, हाँ मना लेंगे, मना लेंगे। क्या लोग करते हैं समझ में नहीं आता। लोग इसकी बराबरी तो करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक महाराज ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा क्या है, हम लोग, हम भी तो महाराज हैं, आचार्य सी पहुंच जाए, आप लोग पहुंच जाए तो भीड़ बहुत उमड़ पड़ती है, लोग दान भी खूब देते हैं और चौकों की कमी नहीं होती, जब दो साधु हों तो 20 चौके लग जाए। महाराज जी हम लोग जाते हैं तो ना कोई लेने आवे, पर वो दो तीन ढुलकिया वाले आ जाते हैं, जो महाराज ने कहा तो बता रहा हूं, चौके ही नहीं लगते, एक एक चौके में दो दो तीन। तो मैंने कहा महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव का या संघ का ये वैभव देखकर आप जो ईर्ष्या कर रहे हैं, इस ईर्ष्या से कुछ नहीं होने वाला है, काश हमारे गुरुदेव की जो चर्या है
वो चरिया अपना रहे तो तुम्हें भी उनसे जैसा मिल जाए। जय हो, जय हो, जय हो। चरिया तो अपनाओ, उनकी निरीह वृत्ति तो देखो। आज उनके आने पर करोड़ रुपए आता है, और जैसे सीलचंद ने कहा, निकलने के पहले पीछे में झड़ा देते, कहीं टीकमगढ़ का कोई कार्ड महुआ साथ में न चला जाए। कैसे निरीह वृत्ति तो देखो। आज पूज्य गुरुदेव को बुंदेलखंड में आए हुए कितने दिन हो गए, 1975 के बाद आ गए थे, तब से देखो बुंदेलखंड को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज वो 50 साल पहले भी पीछे का मंडल वाले थे, बोलो ना। अरे चलिए तो देखो, हम बराबरी करने का मौका छोड़ते हैं, लेकिन बराबरी के गुण नहीं देखते। क्यों उमड़ रही है जनता, क्यों आ रही है जनता, क्यों दे रहे हैं दान? इस दान से कोई तो परे परेशान है। टीकमगढ़ वालों ने इतना दान दे दिया, महाराज परेशान है, महाराज के कुछ भक्त भी परेशान है टीकमगढ़ में, उनके भक्त भी बहुत परेशान है। अरे क्या हो रहा है, सब पागल हो गया क्या, समझ नहीं पा रहे हैं। ये श्रावक है महानुभाव, श्रावक देखता है हमें किससे कहां कितना मिलता है, जितना मिलता है उतना वो देता है। उसको क्या मिलता है देखो तो सही। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि लोग चतुर्मास निपटाते हैं। हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मेरा चतुर्मास, मेरा वहां जाना सफल है कि नहीं, यदि तुम्हारे जाने के बाद लोग द्वारा तुम्हें पाने का भाव करें तो समझ लेना तुम सफल हुए हो, और यदि ये कहें हर मगरा नमोस्तु निपट गया तो समझ लेना तुम भार नहीं बने हो, भार बने हो सौभाग्य नहीं बने, सौभाग्य नहीं बने। सौभाग्य जब बनता है जब पाने के बाद व्यक्ति सोचता है जन्म जन्म तक हमें ऐसा ही संगति मिलती रहे। तो ये आजकल क्या है, लोग बराबरी, अपनी रेखा बड़ी करने की अपेक्षा दूसरे की बड़ी रेखा देखकर जलते बहुत है। लोगों को यही तकलीफ है कि इतना अब अर्थ कैसे बदल रहा है। और एक दिन आया था प्रश्न, अर्थ से प्रभावना होती है, उन मूर्खों को अर्थ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है अर्थ नहीं है, ये दान है। तुमने अर्थ नहीं दिया है, तुमने क्या दिया है, दान, दान दिया है। और दान माना जाए इन मूर्खों की जिंदगी में, ध्यान रखना ऐसा अर्थ अभिशाप देगा कि एक एक कौड़ी को भी मोहताज हो सकते। दान में, दान को इन्होंने पैसा क्या दिया, दान को व्यक्ति दान दे रहा है। इसलिए जैसे जैसे आप लोग होते ना, बहुत अच्छी कमाई करते हो लेकिन दूसरे को बताते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कमाई ज़्यादा हो दूसरे को बताने से वो खुश होगा कि जलेगा, बताने से खतरा बढ़ेगा कि खतरा टलेगा। इसलिए हमारी प्रभावना को थोड़ा छुपी रहने दो, तुम्हें टैक्स का खतरा बढ़ेगा, चोर का खतरा बढ़ेगा, इसे कमी प्रशंसा करो तो सार है। फिर भी लोग बराबरी न करें, गुण देखें, उपलब्धि देखें, व्यवहार होता है, जनता को क्या मिला है। साधु आता है, अपना समय काटता है, गुजारता है, चला जाता है। साधु वो चीज है जो ऐसी सदियां बिताना चाहिए कि जाने के बाद साधु को ऐसा, सबक को ऐसा लगे कि हम पहले कंगाल थे, जब से साधु आया है हम माला माल हो गए। चाहे मंदिर हो चाहे ग्रस्त हो, कभी साधुओं की प्रभावना देखकर बराबरी मत करो। क्या सब महाराज बराबर हैं, इनकी आगवानी ऐसे कर तो इनकी ऐसे, ये इनके हैं ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये सोचना चाहिए गुणों का। एक और प्रश्न से जल्दी है, सब साधु बराबर हैं, ध्यान रखना जो ऐसा मानते हैं वो क्या है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट राजा। साधुओं में सदा भेद करना चाहिए,
जिस दिन भेद खत्म हो जाएगा उस दिन अच्छे साधु दुनिया में खत्म हो जाएंगे। रिपीट करता हूं, जिस दिन साधुओं में भेद खत्म हो जाएगा, सब कहेगे सब साधु बराबर हैं, उसी दिन अच्छे साधु दुनिया में खत्म हो जाएंगे। आपके कॉलेज में क्लास में 99 नंबर वाला और 33 नंबर वाला सभी विद्यार्थियों को यदि बराबर देखा जाएगा तो अगली साल कोई 99 नंबर क्यों लाएगा, क्योंकि 33 भी और 99 बराबर है, नौकरी भी बराबर, सब उपलब्ध बराबर। कॉलेज में क्या होता है, एक ही क्लास के विद्यार्थी में जो मेरिट लिस्टेड आया है उसको क्या करते हैं आप लोग, बोलो ना, तो शेष का अपमान है क्या? आपके यहाँ कोई फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड आए आपके क्लास तो क्या उन्होंने सम्मान किया, पुरस्कार किया 15 अगस्त पे, तो शेष विद्यार्थियों का अपमान है क्या? इसे अपमान क्यों मानते हो आप, ये क्यों नहीं कहते हो इसकी मेहनत का सम्मान है, इसकी साधना का सम्मान है, योग्यता का सम्मान है। लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सब बीच में 3 आ गए, 60 में से 57 विद्यार्थियों का अपमान है, यानी 57 को और पुरस्कार दो, उसी दिन वो कॉलेज मिट जाएगा, कोई अच्छे नंबर नहीं लाएगा। यदि अच्छे नंबर चाहिए है तुम्हें तो जो अच्छे नंबर लावे उसका सम्मान करना सीखो, वो कम नंबर वाले का अपमान नहीं है बल्कि ये दिखाना है कि अच्छे नंबर है। इसी प्रकार अच्छे साधु जब आवे जो समाज का उद्धार करें, तुम्हारे लिए मस्तक उठाएं, ऐसे साधु आए, इनमें भेदभाव जरूर करना, और ये भेदभाव करते रहोगे तो महानुभाव आपको अच्छे साधु मिलते रहेंगे। साधु साधना करेगा, तपस्या करेगा और कहेगा कि नहीं आज जनता में भी अच्छे साधु की पहचान है, और नहीं तो फिर वही टके शेर भाजी अंधेर नगरी चौपट राजा। टीकमगढ़ ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुवार प्रश्न तो हुआ ही नहीं, ये सत्य है कि कमरे का सत्य है, यह भी सत्य है वह भी सत्य है, कमरे में करना झाड़ा फूंकी है, प्रवचन में बताना कर्तव्य है, क्योंकि कमरे में जाओगे तुम अकेले, महाराज हम शादी करना क्या, और यहां हम कहते हैं कि शादी करते हो तो ऐसी करो, उपदेश में और कमरे में अलग है, वही नमोकार मंत्र की महिमा, वही शांति धारा की महिमा हम प्रवचन में गा रहे हैं, ये उपदेश है, और मंदिर में इसी नमोकार मंत्र को कमरे में देने लग जाएं तो वो झाड़ा फूंकी है। हम यही कह रहे शांति धारा तुम आए महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, जाओ शांति धारा कर लेना, ये झाड़ा फूंकी हो गई, और प्रवचन में कहना किसी भी कष्ट हो शांति धारा की शरण में चले जाओ, ये प्रवचन हो गया। यहां सब दुनिया को है, वहां व्यक्तिगत है और यहां सार्वजनिक है, जो सबको दिया जाता है वो उपदेश कहलाता है, जो व्यक्तिगत दिया जाता है वो राग और मोह कहलाता है, इसलिए हम राग और द्वेष को मोह को नहीं पालते, जो कहना है खुले मंच पे कहना है, सबको आशीर्वाद अलग और पर अपने भगत को आशीर्वाद अलग, ये चाय नहीं है कि स्पेशल और स्ट्रांग, यहां तो आशीर्वाद सबको एक है, जो है सबके लिए है, तभी तो मैं मंदिरों में जब कमेटी जो ट्रस्टी बनते इसलिए तो हम कह रहे सबको खोलो, कोई भेदभाव मत करो, तुम्हारा पटीका इनका पटीका, जो आगे आए उसका सम्मान करो, उसका वेलकम करो, हो गया बस। हम कमेटी वालों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे गुरुवार जहां जिस कमरे में रहते हैं उसके 2 दरवाजे होते हैं, उसके 2 दरवाजे हरदम होते हैं, नहीं होता तो बनवा दिया जाता है, तो हे कमेटी वालों सबसे डंडे ज्यादा पड़ेंगे तो आप जो ज्यादा हमें होगा उसी के पास पड़ेंगे, दूसरी बात अगर मौका पड़ेगा तो कमरे से बाहर भी निकाल जाओगे, तो वो दूसरा दरवाजा इसलिए है कि 10 मिनट बाद आप पहुंच जाना, बाहर नहीं रहना। नवोस्तु गुरुवार, नवोस्तु, नवोस्तु। इन्हें क्या है, बहुत सालों का अनुभव है इसलिए सारी बातें बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब जिज्ञासा रखेंगे श्री निधि। ये तो कला इतनी जानता हूँ, हाँ। कि किसी को डांट देता हूँ ना
पीछे से दूसरे को बोलता उसको थोड़ा पुरस्कार लेना ले आना, क्योंकि गुरु कुम्हार के समान होते हैं। गुरु जो है शिष्य कुंभ है, गुरु गुलाल, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। ये तो गुरु की विशेषता होती है कि वो ऊपर से भली चोट मारते हैं लेकिन नीचे से हाथ लगाते हैं, क्योंकि तुम कच्चे घड़े हो ना। पक्के घड़े पर तो चोट मारो तो फूट ही जाए, कच्चे घड़े हो तो चोट भी खा लेते हो और सुधर भी जाते हो। इसलिए जिज्ञासा करें निधि जी जैन मस्तापुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अखिलेश जी जैन सतभैया टीकमगढ़। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या जैन दर्शन के अनुसार काले रंग को अशुभ माना गया है, और अगर अशुभ माना गया है तो पंचकल्याणक में ध्वजारोहण के समय जो मुख्य ध्वजा होती है उसके साथ जो अलग अलग रंग की उपध्वजाएं होती हैं उसमें एक काले रंग की भी ध्वजा होती है, ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? समाधान की कोई भी रंग अच्छा और बुरा नहीं, प्रसंग के अनुसार देखा जाता है। किस कार्यक्रम में काला रंग अच्छा है, किस कार्यक्रम में काला रंग अच्छा नहीं है, तो सभी तरह दुशाएँ लगाई जाती हैं, वो काला रंग नीला रंग होता है, काले रंग की नहीं होती, नीला रंग होता है, जो पंच परमेष्ठी का प्रतीक होता है। दूसरा, जो देवताओं में भवनत्रक आदि होते हैं इनकी ध्वजाओं के कलर होते हैं ऐसे, तो उनके लिए भी कभी कभी किसी स्थान को सुरक्षित करने के लिए ध्वजाएँ लगाई जाती हैं। काला रंग बुरा एकदम बुरा नहीं है, यदि काला रंग बुरा होता तो बुढ़े लोग सफेद बालों में खिजाब क्यों लगाते हैं? बुरा नहीं है, लेकिन प्रसंग के अनुसार बुरा है। अब कार्यक्रम करना है, तुम काले कपड़े पहन के आ जाओ तो शुभ अनुष्ठान के अंदर कर वो ठीक नहीं माना जाता, इसलिए प्रसंग के अनुसार। कई स्थानों पर लाल रंग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि शांति का कार्य करना और लाल रंग वहाँ ठीक नहीं है, तो प्रसंग के अनुसार माने जाते हैं, सर्वथा नहीं। जिज्ञासा करें श्री अखिलेश जी जैन सतभैया, कल जो भव्य यहाँ पर शोभा यात्रा दोपहर में 1 बजे से निकलनी है हमारे आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, उसमें षट कर्म की झांकी होगी, उसके लिए 6 ट्रैक्टर भी सतभैया जी ने अपनी ओर से दिए हैं। और महाराज जी, पूरे देश में आपने जब से तीर्थंकर दिवस घोषित किया है तब से आदिनाथ जयंती को बड़े उत्साह से मनाने लगे हैं। कई मंदिरों में प्रातःकालीन बेला में महामस्तकाभिषेक होता है और दोपहर में इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कई लोग सोचते हैं कि इसका हम स्वरूप कैसा रखें, और जो लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं उन्हें क्या जन्म कल्याणक जैसे साक्षात होता है वैसा पुण्य मिलेगा, उसके विषय में जिज्ञासाएं कई लोगों की प्राप्त हो रही थी। पहली बार तो कल जो है सभी लोग तीर्थंकर दिवस के नाम से, आज क्या है तीर्थंकर दिवस, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था, इस युग के प्रथम तीर्थंकर का कल जन्म हुआ था, इसलिए उसको तीर्थंकर दिवस नाम दिया है। तो तीर्थंकर की शुरुआत आदिनाथ जयंती, दो ही नारे होना चाहिए, आज क्या है तीर्थंकर दिवस और आज क्या है आदिनाथ मेरे भगवान की जयंती। वो नहीं लगा पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसी स्थिति में सभी को कल भगवान का आदिनाथ की दृष्टि, क्योंकि परम उपकारी की, अभी जैसा रमेश जी ने फोन किया था, वो प्रश्न किया था ना, उपकारी का बदला हम कैसे चुकाएं? उपकारी का बदला हम चुकाएं कि हम उनकी खुशी में, उनकी खुशी को हम इतनी ऊंचाइयां दे दें जितनी वो खुद नहीं दे पाए, उनकी प्रभावना को हम इतनी बढ़ा दें कि वो खुद नहीं कर पाए, वो खुद भी ना कर पाए हों, जिनका हमारे ऊपर उपकार हुआ हो उनकी प्रभावना हम इतनी बढ़ाएं कि वे खुद भी उतनी प्रभावना ना कर पाए हों जितनी कि जिसके ऊपर उपकार किया है वो कर दे। ये सबसे बड़ी विशेषता है, जिन जिन के हमारे ऊपर उपकार हैं हम उनकी वो प्रभावना करेंगे, वो यश फैलाएंगे जो वो खुद भी नहीं कर पाए हों, स्वयं भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हों जहां तक वो पहुंचा दे। जैसे कि अभी देखे लाइव टाइप टेलीकास्ट चलाते हैं, अब मुनि महाराज का प्रवचन कहाँ तक पहुंच सकता है? पंडाल तक,
माइक लगा दो नगर तक, लेकिन जहां तक मुनराज अपनी प्रमाणी नहीं पहुंचा रहे वहां ये लाइव वाले पहुंचा रहे हैं। ये है इनकी भक्ति समर्थन। कितने बड़ा माइक लगा दो हम अपनी वाणी विदेश तक नहीं पहुंचा सकते, नगर से बाहर भी। तो अब देखो जहां महाराज नहीं पहुंच पा रहे वहां महाराज का प्रवचन पहुंचा रहे, ये कितना बड़ा उपकारी का फल है। तो कल आदिनाथ भगवान हमारे जगत के बहुत बड़े उपकारी हैं, उनका उपकार यही है कि हम उनको इतनी खुशी इतनी उसमें खुशी को इजहार करें कि भली वो पंचम काल तक वो नहीं आ पाए, पंचम काल तक वो जीवित नहीं रह पाए, लेकिन हम भक्त जिंदा हैं उनको आज भी जयकारा लगाकर उनको जीवित कर दें। आदिनाथ पंचम काल तक जीवित नहीं रह पाए, उसी समय चले गए तीसरे काल में, लेकिन हम अपन चाहें तो आज उनको हम जीवित कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान के रहते हुए जो कार्य हुआ आज भी हम उनके नाम से कर सकते हैं। भक्त बेटा शिष्य गुरु भगवान और पिता के मरने के बाद भी उनको जीवित रखता है और उसको देख करके अंदाजा लगा देते हैं बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, शिष्य ऐसा है तो गुरु, भक्त ऐसा है तो। आज जब इतना उत्साह है आदिनाथ जयंती पर, जिस दिन भगवान का सही में जन्म हुआ होगा तो कितना हुआ होगा ये अंदाजा लगा दें, ये आपके अंदाजे को देखकर ये अंदाजा लगा दें। ऐसा भाव कर ले कि जब आज इतना उत्साह है करोड़ों सागरों के बाद, तो जब साक्षात जीवन का जन्म हुआ होगा उस समय क्या स्थिति रही होगी, इसे देख करके उसका अनुमान लगा लें। बेटे को देखकर बाप का अनुमान लगा दें कि बेटा जब ऐसा है तो पिता, किसी तस्वीर को देख करके अंदाज लगा दें, किसी मूर्ति ऐसी बनाओ कि मूर्ति को देखकर लगा दें अंदाज, जब मूर्ति ऐसी है तो तू कैसा होगा, तेरी मूरत इतनी सुंदर। बस ये बहुत बड़े मौके मिलते हैं, इसलिए आज प्रातः काल मैंने कहा था कल हर बच्चे को भारत के सारे लोग सुने, कल हर बच्चा जैसे आपका जन्मदिन होता है बच्चे का कोई का, तो कोई चॉकलेट कोई पेंसिल कुछ ना कुछ अपने स्कूलों में बांटता है, कल सारे जैनी बच्चे भारत के स्कूल जाएंगे कोई ना कोई मिष्ठान कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएंगे और अपनी क्लास में बांटेंगे और कहेंगे आज मेरे भगवान का जन्मदिन है वो शुक्लक्ष। कल हर जैनी के जिस स्कूल में जैनी पढ़ता है जिस स्कूल में जैनी का बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में जैनी के बच्चों के द्वारा कोई ना कोई गिफ्ट अपने क्लास में स्कूल में या टीचरों को कुछ ना कुछ जरूर भेजना, आइटम भेज देना मिष्ठान भेज देना, और बच्चे और छोटा बच्चा हो तो उस मिष्ठान के साथ एक पर्ची लगा के भेज देना कि ये है, लेकिन भेजना है, बहुत बड़ी प्रभावना है। आदिनाथ भगवान की जयंती का गिफ्ट वहां जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। आप यदि प्रतिष्ठान जहां खुलते हो यहां का तो नहीं खुलेगा, मैं कह तो दिया शायद, और जहां खुले तो हर ग्राहक के लिए कल कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, बोले आज हमारे आदिनाथ ये जो आज मैं व्यापार कर रहा हूं। बच्चे के कहे क्यों भाई आदिनाथ भगवान की जयंती गिफ्ट क्यों लाए, तो बता देना आज जो शिक्षा जीवित है उसके मूल संस्थापक थे प्रजापति आदिनाथ। ग्राहक को कोई ना कोई गिफ्ट दो, कोई मिष्ठान दो, अपनी दुकान पे कोई मिष्ठान रख लो कोई कुछ भी रख लीजिए, भाई क्यों इसमें आज हमारे तीर्थंकर का जन्मदिन है तो भगवान के जन्म तो बहुत सारे होते। बोले नहीं आज जो दुनिया में व्यापार चल रहा है इस व्यापार के संस्थापक आदिनाथ भगवान थे, नहीं तो वो नहीं होते तो आज दुकान नहीं होती व्यापार नहीं होता। एक व्यापारी अपने उपकारी का कल जन्मदिन मनाए। किसानी यदि आपकी है अनमंडी है आपकी तो मंडी में जाकर के कोई ना कोई गिफ्ट बांटो, सब मंडी में जो अनाज लेके आए हैं और किसानों से कहो बोले आज क्या है क्यों बांट रहे मिष्ठान, बोले आदिनाथ जयंती, तो इससे क्या मतलब है आज जो तुम खेती कर रहे हो आज जो मंडी में अनाज लाए हो इस कृषि का उपदेश देने वाले
आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान है। इसलिए हे किसान, तू आज मंडी में जो गाड़ी लेकर आया है, इसके परम उपकारी देवादिदेव आदिनाथ हैं। जैनी व्यक्ति यदि मंडी में है तो सारे मंडी की दुकानों पर, मंडी में आने वाले जितने भी दुकानों जो किसान आते हैं, उनको जैन मंडी की आड़त की दुकान से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। और ये कह करके कि आज जो खेती हो रही है तो किसके लिए, आज जैनी यदि किसी सेना में भर्ती है तो उसको भी संदेशा दे देना, वो कल कुछ ना कुछ आदिनाथ की जयंती अपनी सैनिक टुकड़ी में बांटेगा। बोले क्यों? बोले आज जो सैनिक हैं, आज जो देश की रक्षा करने की 80 का उपदेश है, इस सेना को उपदेश देने वाले थे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान। तो ये स्थितियां सारे भारत में, यानी जो जो कार्य कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, जो आजीविका का साधन है, उसको सारे जगत में फैलाना है कि आदिनाथ इसके परम उपकारी ये हैं। तो जो हमारे उपकारी होते हैं महान आत्माएं, उनका हम कितना प्रचार कर सकते हैं, उनके उपकारों को हम कहाँ दुनिया में भेज सकते हैं, वह सबको भेजना चाहिए। यही आदिनाथ जयंती का सबसे बड़ा महत्व है। जलूस आदि तो सबको निकालना ही है, लेकिन यह जो घर घर में प्रचार आप करेंगे, ये प्रचार बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और जैन धर्म के आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने इस सृष्टि को क्या दिया है, ये दुनिया जानेगी, समझेगी और आदिनाथ की जय जयकार बोलेगी। और टीकमगढ़ में जब पूरे विश्व को महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, तो महाराज जी का सानिध्य तो साक्षात टीकमगढ़ में है, तो टीकमगढ़ की आदिनाथ जयंती अपने पूरे विश्व लेवल की होने वाली है। यहाँ के लिए बहुत बड़ी तैयारियां कमेटी होने की है, 3-3 हाथी बुलाए हैं, 2-2 बड़े रथ, जिसमें एक चांदी का रथ है, एक पपोरा जी का रथ है। हर मंदिर की अपनी अपनी पालकी आ रही, उनके पीछे उनकी समाज चलेगी और सारा कार्यक्रम पूरा विश्व देखेगा। जिनवाणी चैनल लाइव के माध्यम से यहां से जलूस तो 1 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 बजे से पूरा कार्यक्रम लाइव जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रातःकालीन वेला में 6:30 बजे से महाराज जी के सानिध्य में नंदीश्वर कॉलोनी में महामस्तकाभिषेक होगा आदिनाथ धाम में, और दोपहर 1 बजे से यहां से भव्य शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी और पूरे टीकमगढ़ का प्रत्येक बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महाराज जी ने बोला था कि बुलहुआ चलहुआ घरहुआ सब करना है, इसलिए सभी लोगों को यहीं पर पंचायती मंदिर में आके यहां से जुलूस शुरू होकर के पैदल पूरे मार्ग में चलना है। और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए, और ललितपुर वाले भी सभी लोग यहीं आए, गुरुदेव पास में ही हैं, तो उनके सानिध्य में आदिनाथ जयंती मनाएंगे। अब हम जिज्ञासा करें अखिलेश जी जैन सतवैया, इसके बाद तैयार रहे सोनम जी जैन ड्रग इंस्पेक्टर हरदा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंजनीय जगत पूज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सतवैया परिवार का दरबार। छोटा बोले, छोटा बोले, आप जिज्ञासा करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। एक पुरानी प्रॉपर्टी थी कि जब कृषक अपने साव का हिसाब चुकाता था तो हिसाब चुकाने के बाद वो कुछ उधार वह ले लेता था कि ताकि खाता बंद ना हो। हमारी जिज्ञासा ये है कि हम लोग दान देते हैं, दान का पैसा समय पर चुकने के पहले हम और दान बोल दें ताकि हमारा प्रभु का खाता बंद ना हो और उसकी निगाह में हम बार बार आते रहें जब वो खाता पलटे, तो इसका हमें क्या पुण्य मिलेगा? हमारा तो सिस्टम ही यही है, हम दानी को गुरुदेव, दानी जब दान देता है तो मैं तो उसी दान को सफल मानता हूं कि ये दान पूरा नहीं हो पाए और उसके पहले क्या महाराज जी कुछ और आइटम बताओ अब किसमें देवे। दान वही महलाता है जिसमें दान देने के बाद और देने का भाव आवे। मैं हमेशा कहता हूँ जिस धर्म की क्रिया को ब्राह्म करने का भाव आ जाए, समझ लेना वो धर्म नहीं थी, वो तुम्हारी मजबूरी थी। और जिस धर्म की क्रिया को करने के बाद पुनः करने का भाव आ जाए, समझ लेना वो धर्म नहीं था, वो जन्मांतरों का वसीयतनामा था। जन्मांतरों का कि नहीं, हम इस धर्म को, मेरे हाथ से दान हुआ है, मैं सदा दान देता रहूं, ऐसा भाव आता है तो नमो तुम्हारा।
जिज्ञासा करें श्री सोनम जी जैन ड्रग इंस्पेक्टर हरदा, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारी प्रिंस भैया जी टीकमगढ़, और जो तीर्थंकर देवास है उसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी जिसमें पूजन वगैरह है जिससे समाज को लाभ होगा। पूछिएगा प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि गर्भावस्था के कौन से महीने तक एक स्त्री तीर्थंकर दिवस की जो पूजा बनाई है वो लॉकडाउन के समय प्रसाद की थी। कल सभी लोग जो जो पूजा अपने मंदिरों में करें वो तीर्थंकर दिवस की पूजा करें। आपने बता दिया, मिल जाएगी उनको। हाँ, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दी है, एक दूसरे को आप लोग भेजते रहिए जिससे सब तक पहुंच जाए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि गर्भावस्था के किस महीने तक एक स्त्री आहारदान और पूजन कर सकती है, और गर्भावस्था के संस्कारों का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही जॉब के साथ बच्चों को कैसे संस्कारित करें। नमोस्तु महाराज। आहार तो 5 महीने तक ही दे सकती है, 5 महीने के बाद नहीं दे सकती, आगे में उल्लेख। पूजा पाठ आप आखिरी दिन तक भी कर सकती है, पूजा पाठ करने में कोई बाधा नहीं। इंद्रादिक आदि नहीं बन सकती है, लेकिन पूजा पाठ आप आराम से करें, कोई बाधा नहीं होती। संस्कारों का जहाँ तक सवाल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ता है। अग्नि ठंडी होती है, पानी ठंडा होता है, लेकिन अग्नि का संस्कार पाकर के वो भी गर्म हो जाता है। बस इसी प्रकार दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं, लेकिन संगति में आकर के गर्माहट आती है। ऐसा ही जीव कहीं से भी आया हो, अच्छे माता पिता के पास आकर के उसमें भी एनर्जी जाग जाती है, संस्कार जाग जाते हैं, इसलिए प्रभाव पड़ता है। अब जॉब करते हुए बच्चों को संस्कारित कैसे करें? मेरे से मत पूछो, आफत में पड़ जाओगे। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारी प्रिंस अपनी जिंदगी चलाओ प्रिंस भैया जी टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती राजकुमारी जी जैन जामनेर। पूज गुरुदेव के चरणों में त्रिगाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि साक्षी भाव और दृष्टा भाव में क्या डिफरेंस है, विस्तार से। साक्षी भाव का अर्थ होता है प्रमाणिकता, दृष्टा भाव का अर्थ होता है वस्तु को जानना। साक्षी तो प्रमाणिकता के लिए आती है, मैं इसका साक्ष हूं, जिसे आप गवाही भी कहते हैं, मेरे सामने ये हो रहा, मैं साक्षी हूं। तो साक्षी शब्द का जो प्रयोग होता है ये प्रमाणिकता के अर्थ में होता है, गवाही के अर्थ में होता है, और दृष्टा का अर्थ प्रयोग होता है वस्तु को जानने के अर्थ में होता है। उसे प्रमाण और अप्रमाण से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए देखना है कि यह वस्तु कैसी है, यह वस्तु क्या है, उस स्वरूप को जानने का अनुभव करना दृष्टापना है, और किसी भी कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध करना साक्षी भाव कहलाता है। जिज्ञासा रखें श्रीमती राजकुमार जी जैन जामनेर, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अमित जी जैन टीकमगढ़। विश्व वंदनीय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुना के सभी भक्तों की ओर से आपकी ओर नमोस्तु, जामनेर परिवार की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी, जब आपका चतुर्मास ललितपुर में था तो हम लोग गुना से टीकमगढ़ आ रहे थे, तो आप वहाँ पे विराजमान थे, तो हम लोग वहाँ पे गए। पहले क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता था वो मंदिर, अब अभिनंदनोदय के नाम से। तो जब महाराज जी वहाँ गए तो वहाँ पे हमने श्रीफल का इतना अंबार देखा, तो मन में पता नहीं इतनी खुशी हुई, मतलब समझ में ही नहीं आया, पहली बार देखा था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने किससे पूछे, तो वो मुच्छड़ के नाम से, जो आप जानते हैं, वो मेरा मेरी भाभी का भाई है। तो मैंने पूछा उससे, बल्लू ये क्या है? तो उसने कहा, महाराज जी दीदी, महाराज जी है ना, उसके रक्षाबंधन के दिन एक विधान करवाते हैं, उसमें इतने सारे श्रीफल चढ़े। तो हम लोग वहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठ गए अनायास, मुझे हमें पता नहीं था कुछ। हाँ, बैठ गए जी, जिज्ञासा इसी में समाये थे गुरुवर। तो और प्रभावकारी भी है मैं कोई, तो हम लोग बैठ गए और हमने कहा, भगवान हमें कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमारे यहाँ भी ऐसा विधान हो और मैं उसमें सम्मिलित हूँ। गुरुवर उसके फलस्वरूप हमारे अगले ही बार हम लोगों को वर्ष 13 में
गुना में चतुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो हमारा स्वर्णिम समय था। गुरुवर जब हम लोग जब टीकमगढ़ से लौट रहे थे, हमारी माँ और भाई से मिलने आए थे। प्रश्न को संक्षेप करें, इसी में महाराज जी। नहीं ऐसा नहीं, आप सीधा प्रश्न डायरेक्ट। जी 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 जी। तो महाराज जी बस यही था कि मतलब ऐसा कैसा पुण्य था हमारा कि हम लोगों को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा पुण्य बहुत अच्छा था, गुना के चतुर्मास का मंगल कलश की तरफ भी आपका परिवार ने लिया था और वहाँ भी श्री फलों का ऐसा विधान हुआ था। जी महाराज जी, 10 लाख क्षण पर में गुना में भी हुआ था। तो ये अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति का समर्पण भाव आता है कि जिन्होंने इतने उपसर्ग सहन किए, कम से कम एक श्रीफल चढ़ा करके उनको धोक देना, यही मेरे अवभाग्य है। महाराज जी आपने ऐसा करें, अमित जी जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अर्चना जी जैन नंदीश्वर कॉलोनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबान नमोस्तु। जैसा कि शंका समाज जिज्ञासा समाधान में लोगों ने आपकी महिमा के बारे में वर्णन किया, तो मेरे मन में भी आज से 3 दिन पहले एक कुछ ना कुछ शंका रहती थी या कि ये सत्य है या नहीं। तो मैंने इसका टेस्ट करने के लिए मैंने संडे को ही जब आप आहारचर्या से वापस आए, आप यहाँ पर विराजमान थे, ना आपने मेरी ओर दृष्टि डाली ना कुछ, मैंने आपके पीठ के पीछे से ही आपके चरणों को पकड़ा और मैंने अपनी 2 भावनाओं को निवेदित की आपके चरणों में कि यदि सत्य होगा तो मेरे साथ भी सत्य होगा। पहली भावना within 3 hours में मेरे पास उसके लिए समाचार मेरे पास फोन से आ गया। दूसरा जो मैंने भावना वाई हुई थी कि यदि सत्य होगा तो मुझे श्री महाराज श्री का पड़गहन और आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा और वो भी मुझे आज आपके कृपा से मिल गया है। तो मैं यही मेरी जिज्ञासा है कि आप भक्तों की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। नमोस्तु महाराज। ये मेरा चमत्कार कम है, तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा का चमत्कार ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण जब इतना अटूट हो जाता है तो साधु के जो संगति है वह अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। साधु के ढंग साधु तो सबके लिए करता है, लेकिन तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सत्यता, तुम्हारा जो श्रद्धा भाव होता है उस कारण से ये चमत्कार होते हैं। मेरे कारण से नहीं, क्योंकि मेरे कारण से होना तो बड़ा खतरा हो जाए, किसी ने मेरे पैर छुए और नहीं हुआ तो कहें बाबा जी आप पक्षपात करते हो, उसका कर दिया, इसका नहीं कर दिया, इसलिए मैं बहुत डरता हूँ। मैं अपनी महिमा सुनकर के तुरंत स्टॉप लगाता हूँ। एक स्थान पर राजस्थान में गया, वहाँ 5-7 साल से वर्षा नहीं होती, अमित बाबू 5 साल से वर्षा नहीं होती वहाँ, और काकतारी न्याय से जिस दिन जिस साल पहुँचा कलेक्टर भी आए, बोले महाराज जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अजमेर की घटना है, बोले कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज ये चतुर्मास आपका हो रहा है तो बरसात जरूर होना चाहिए। और काकतारी न्याय से बरसात बहुत जबरदस्त हुई, लोगों में चर्चा बन गई, महाराज ने बरसात करा दी, आना सागर था वहां, महाराज ने कलेक्टर साहब आ गया, महाराज जी बहुत वर्षा हुई, बहुत वर्षा आपके बदौलत, आपने वर्षा कर दी। अरे मैंने कहा ये पिटवाए गए, मैंने कहीं चतुर्मास किया और बरसात नहीं हुई तो सब पकड़ के गए, बाबा जी नल की टोटी आपके हाथ में, तो मैं तो अब इसको तुरंत पल्ला झाड़ता हूं। मैंने कहा भैया मेरे कारण से वर्षा नहीं हुई, मैंने वर्षा नहीं की, तुमने जो समर्पण दिखाया मेरे प्रति, तुम्हारे समर्पण से वर्षा हुई। अब इसमें मैं बच गया ना, कहीं यदि बरसात नहीं तो कहते तुम्हारा समर्पण नहीं। तो ये जो अपना समर्पण होता है भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, वह नियम से चमत्कारी होता है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आपके सानिध्य में दान देने वालों की तो लाइन लगी रहती है। कल जिनके यहाँ पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या हुई, ऐसे मंदिर के कोषाध्यक्ष महामहोदय श्री डॉक्टर रमेश जी नवरंग, उन्होंने पूज पहले 41 कलश में एक बेदी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था 24 की, और उन्होंने फिर कल के दिन पुनः घोषणा की आहारचर्या के उपलक्ष में 21 कलश में परम शिरोमणि संरक्षक बन के यहाँ के ट्रस्टी बन रहे हैं, और ये अपने परिवार के सदस्यों को भी ट्रस्टी बना रहे हैं। नाम लूंगा मैं, आते जाएंगे, डॉक्टर रमेश जी नवरंग, डॉक्टर रोचिर जी नवरंग,
सुरेश चंद जी सतवैया सोना गार्डन, प्रिंस जी जैन टोनी सतवैया, अंतिम जी जैन नियांश जैन, इन्होंने नियांश जैन को शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर नवरंग जैन ने अपने नाती को बनाया है, और गेंदा देवी जी स्वर्गीय राजेंद्र जी सतवैया, हर्ष कुमार जी सतवैया, पवन जी जैन, चक्रेश सतवैया, ये पूरा नवरंग जी का परिवार आज आशीर्वाद लें। और एक कलश के परिवार के परिवार ट्रस्टी बन रहे हैं, ट्रस्टी के लिए लोग लाखों रुपया दे रहे हैं, और एक एक परिवार के इतने ट्रस्टी बन रहे हैं, ये चमत्कार ललितपुर में नहीं हुआ जितना यहाँ हो रहा है। अब पता चल रहा है कि ललितपुर वालों को क्यों फफूंद आ रही है, लेकिन वो भी बहुत खुश है, ऐसी बात नहीं। 21 कलश की राशि में डॉक्टर नवरंग जी ने शिरोमणि संरक्षक की सदस्यता ली, परम शिरोमणि की, और एक कलश के कुछ नाम है उनको वाचन कर रहे, आते जाएंगे। पराग जैन पुत्र गुलाब चंद जी जैन समर्रा वाले, धीरज कुमार जी जैन पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी जैन, बोलिए, नरेंद्र जी बुखारिया, अभिषेक जी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, सत्यन ठगन उस्ताद जी, प्रदीप कुमार जी, इन्होंने पूरी नगद राशि भी दे दी है, अनुपम जैन, अनुभव जैन, अनुपम हार्डवेयर, सुनील बजाज जी, अब्बू, इस प्रकार से नाम प्राप्त हुए हैं। अब जिज्ञासा करें अर्चना जी जैन नंदीश्वर कॉलोनी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें एक जैन श्री गिरीश जी जैन कुरावली। दान की महिमा बताने वाले वर्तमान युग के समद भद्द स्वामी जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। इस समय महाराज जी टीकमगढ़ में जो आपका समोसरण लगा हुआ है, जो जब आप साक्षात समोसरण में विराजमान होंगे उस समय के हम श्रावक को उसमें भी स्थान मिलेगा। महाराज श्री जो कल नंदीश्वर कॉलोनी आदि धाम में महामस्तिकाभिषेक होने जा रहा है, उसमें हम श्रावकों को किस तरह उसमें मतलब पुण्य जुड़ेगा, उसके क्या जहाँ भीड़ रहती है तो सीट निश्चित तो नहीं की जाती, जो खाली मिल जाए वहीं बैठ जाना, पहले बुकिंग तो बहुत मुश्किल है यहाँ। दूसरी बात है, कल आदिनाथ जयंती है, और कल आदिनाथ धाम भी तुम्हारे यहाँ है, अभी पंचकल्याणक भी हुआ है, और अभी टीकमगढ़ के सबसे बड़े बाबा भी आदिनाथ धाम में विराजमान है। कल प्रातःकाल का सारा टीकमगढ़ जहाँ मंदिरों में अभिषेक करते हैं करें, लेकिन आदिधाम धाम में आदिनाथ का अभिषेक शुरुआत जरूर करें, इसलिए हमने ये व्यवस्था रखी है। सुबह मैं भी चलूँगा शायद, आपका तो सानिध्य है शायद। देखो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि हम 48 मिनट से ज़्यादा किसी का संकल्प, इसलिए थोड़ा बहुत शायद लगा लेते हैं, संदेह नहीं करना। सुबह चल करके और भगवान का आदिनाथ का अभिषेक और शांति धारा भी वहीं करेंगे, और आदिनाथ धाम से वहां करके फिर प्रोशन को यहीं आएंगे, प्रोशन तो यहीं करेंगे, पर सुबह 6:30 बजे यहां चलेंगे, 8 जब तक आ जाएंगे जैसे भी टाइम होगा वहां पर। आप लोगों को ये इसलिए तो अलग अलग धाम बनाए, आदिनाथ जयंती आदिनाथ निर्माण महोत्सव आवे तो पूरा टीकमगढ़ आदिनाथ धाम में होना चाहिए, पूरा टीकमगढ़ आदिनाथ भगवान का माघ सुदी 14 को निर्माण लाड़ू आ जाता है, निर्माण लाड़ू पूरा टीकमगढ़ एक होकर आदिनाथ भगवान के निर्माण लाड़ू पे जावे, और आदिनाथ जयंती कल है, कल भगवान का अभिषेक करके अपन अपने आदिनाथ धाम में जा करके सब अभिषेक, कोई भी किसी भी पट्टी में हो किसी भी मंदिर में हो, कल जहाँ का अभिषेक करें तो करें, लेकिन आदिनाथ धाम में आदिनाथ का अभिषेक जरूर करना है। और दूसरी जब पारसनाथ की बात आए तो पारसनाथ धाम है, ऐसे नारी पर्याय को उत्कृष्ट कैसे बनाएं? अब उत्कृष्ट तो देखो हमारे यहाँ यही है कि अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वाह करें, और अंत में संयम आदि लेने की शक्ति हो तो उस तरफ बढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ है अपने कर्तव्यों को समझें, जो जिस भूमिका में है यदि वो अपने कर्तव्य को समझती है तो उसी से उद्धार हो जाता है। अब बस और भी लोग हैं, कल आदिनाथ धाम में जो महामस्तकाभिषेक होगा वह ठीक प्रातः 6:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सभी लोगों को 6 बजे यहाँ पर आ जाना है और महाराज श्री के गेट पर खड़े हो जाना, जिससे शायद सही में बदल जाए। सभी टीकमगढ़ वासी यहाँ से पूज्य मुनि श्री को भव्य शोभा यात्रा के साथ
नंदीश्वर कॉलोनी आदिनाथ धाम लेकर के चलेंगे, वहां महाराज जी के सानिध्य में। जी सुबह मुझे शोभा यात्रा के साथ मर लेना, नहीं तो हम 11 बजे तक पहुंच पाएंगे। नहीं महाराज जी जल्दी जल्दी चलाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं सुबह का तो जल्दी, आप लोग सब धोती दुपट्टा पहन करके, क्योंकि अभी हम पहली आगवानी थोड़ी, अब तो हम तुम्हारे घर के हैं, अभी तो हर चलता है। अरे आगवानी तो ये एक ही दिन पहले दिन आपने कर ली ना, अब तो हम बिना उसके आ जाएंगे। और हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ढोल जमा के होते ही टाइम लग जाएगा। आप लोग तो सब धोती दुपट्टा पहन करके आदिनाथ धाम में ऐसे ही मिलो, जिस दिन हमने अभिषेक कराया था उस दिन पूरा आदिनाथ धाम भरा था। जब मैं पहुंचूं तो आदिनाथ धाम का पूरा हाल मुझे भरा हुआ मिलना चाहिए। तो आप सीधे धोती दुपट्टा पहन के पहुंचना, मैं सब स्पीड से चल के महाराज जी पहुंचेंगे। पूरा टीकमगढ़, जो भी पुरुष वर्ग है 8 वर्ष से ऊपर का, यदि अभिषेक करने की योग्यता रखता है तो कल आदिनाथ धाम में धोती दुपट्टा पहन करके हमारे टीकमगढ़ के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करेगा। ये बात सभी को अपने मन में बैठानी है और सुबह वहां पर पहुंचना है। और दोपहर में 1 बजे से जुलूस प्रारंभ हो जाएगा शोभा यात्रा, 12:30 पर सभी को यहाँ आ जाना है। कई लोग पूछ रहे थे कि हमारा महिला मंडल को आगे स्थान मिलेगा पीछे कहाँ मिलेगा, तो मुनि संघ सेवा समिति जो व्यवस्था देख रही है उन्होंने कहा जो महिला मंडल पहले आ जाएगा उनको अच्छा स्थान पहले मिल जाएगा। सुनो सुनो, तो पहले आओ पहले पाओ। मैं बता देता हूँ, जितने टीकमगढ़ के आइटम लेके चलेंगे उन सबको मेरे से आगे स्थान मिलेगा। जितने ही महिला मंडल, हर अब बताओ अब इससे अच्छा और क्या, महाराज से आगे चलोगे आप लोग सब। यहाँ पर लगभग सभी महिला मंडल की स्वीकृति आ चुकी है और हर महिला मंडल कोई कलश, कोई अष्ट द्रव, कोई अष्ट मंगल द्रव और भी कोई ध्वजाएं लेकर के या विभिन्न चीजें लेकर के इसमें चल रहे हैं। बालिका मंडलों की स्वीकृति आ गई है, पुरुष मंडल, युवा ग्रुप सारी, और हर मंदिर की महाराज श्री यहाँ पर विमान जी आ रहे हैं, पालकी आ रही है, उसके पीछे पूरी समाज चलेगी और एक अनुशासन होगा बहुत अच्छा जुलूस में, क्योंकि जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरा विश्व टीकमगढ़ को देखेगा कि टीकमगढ़ कैसा जुलूस चलाता है। इसलिए अपन को आइट साइड में खड़े होकर के जुलूस नहीं देखना है, साक्षात पैदल चलना है। और महाराज जी ने तो ऐसी महिमा बताई कई जगह जो उनकी शक्ति नहीं थी वो भी पैदल चले और बाद में कई लोगों के घुटने के दर्द भी ठीक हो गए। तो आपकी जहां तक शक्ति हो चलिएगा जरूर सभी लोग जुलूस में। और ऐसा नहीं इंतजार नहीं करना, भगवान हमारे घर पे आ रहे हैं, हम बैठे हैं, जब आएंगे तो आरती कर लेंगे। अपन को यहाँ से साथ में चलना है, जब आपका घर आने वाला हो तो 2 मिनट पहले अपने घर पे पहुंच करके आरती कर ले, लेकिन चलना यहीं से है। तो कल कितने बजे आ जाएंगे आप सभी लोग महाराज जी के सामने बता दें, 12:30 बजे आ जाना है, जिससे जुलूस में अपन को आगे स्थान मिले। और पूरा टीकमगढ़ कई लोगों ने अपने घरों के आगे बहुत अच्छा सजाया है, आप अभी देखते जाइएगा, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सजाया है। जो लोग अभी अपने घर के बाहर नहीं सजा पाए, बैनर पोस्टर नहीं लगवा पाए, उनके लिए कल दिन तक का समय है, सुबह तक का, रात भर में आप सजा लें, रंगोली इत्यादि डाल लें और बहुत अच्छा पूरे टीकमगढ़ में एक संदेश जाए, इस बात का ध्यान रखना है। कल की आदिनाथ जयंती ऐतिहासिक होगी। महामस्तकाभिषेक के लिए केवल 501 रुपये का कलश रखा है, वो ऐसा कलश है जिसमें आप गंधोदक भी ला सकते हैं। तो आदिनाथ भगवान की जयंती पर जो जन्माभिषेक, जो अपन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं जन्म कल्याणक का, उसका गंधोदक आप सबके घर पे पहुंचेगा, इसलिए 501 रुपये की राशि उस कलश की रखी है और लेकर के आप कलश करें और महाराज जी के सानिध्य में ही शांति धारा होगी, जिसके पात्र का चयन बोली के माध्यम से कल प्रातः किया जाएगा। तो 6:30 बजे से अभिषेक की क्रियाकल प्रारंभ हो जाएगी, सभी महानुभाव आदिनाथ धाम पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे यहां रहेंगे। पूरा प्रमुख मार्गों से जुलूस निकल करके राजेंद्र पार्क में आएगा, वहां पर भी जो पालकी गई है उसमें श्री जी जो विराजमान है उनका अभिषेक होगा और मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे। इसके पश्चात पूरी समाज का वहां पर भोजन व्यवस्था रखी गई है राजेंद्र पार्क में ही, और उसमें जो सहयोग करना चाहते हैं वो भी कमेटी को अपने नाम दे दें, कुछ नाम आ गए हैं। और हाथी 3 रखे गए हैं, उस पर जिनको बैठना हो कुछ नाम वैसे आए हैं, 51,000 रुपये की राशि है। सापरिवार आप एक हाथी पर बैठेंगे और लाइव पूरा जिनवाणी चैनल विश्व में आपको देखेगा कि देखो टीकमगढ़ में भी लोग हाथी पर बैठ करके आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। बग्गियों की व्यवस्था है, घोड़े की व्यवस्था भी है और
जिनको इस पर बैठना हो कार्यालय में अपने नाम लिखा दें, कुछ नाम आए थे, कुछ और बाकी हैं तो वो आप लिखा देंगे। अब अंतिम जिज्ञासा समय हो चुका है, जिनका नाम बोला था वो रख लें, गिरीश कुमार जी जैन, बाकी जिनकी नहीं हो पाई कल देखेंगे उनकी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु अच्छाई महाराज। गुरुवर, ये जिज्ञासा है कि आजकल जो है अभी भी जैसे 9 तारीख से लगातार पंचकर्ण चल रहे हैं, तो पहले तो ये समझते थे कि जब या ब्याह शादी के या मुहूर्त वगैरह जब निकलते हैं उस समय पंचकर्णक होते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ साधु कह रहे हैं ये गलत है, कुछ साधु कह रहे हैं कि नहीं वो तो पंचकर्णक। तो आजकल शादी विवाह भी संडे देखकर की जाने लगी। हाँ हाँ, जिस दिन में बुकिंग मिल जाए वही दिन में, क्योंकि आज इतनी स्थिति बन गई। तो अब इन सब में व्यवस्थाएं देख करके सर्वानुकूल करके चलते हैं। जैसा युग बदलता है शादियां भी आजकल मुहूर्त से नहीं होती, जिस दिन होटल खाली मिल जाए उसी दिन बड़े बड़े शहरों में तो होने लगा। तो अब ऐसे ही पंचकर्णक भी चल रहे हैं, ना हम इसकी समालोचना करते हैं ना आलोचना करते हैं। परिस्थितियां जो होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया जाता है, एकदम लकड़ी पकड़ के नहीं चलना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उन परिस्थितियों के अनुसार अपन को चलना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों के अनुसार जो जहां करते हैं उनके संबंध में ज़्यादा अपन को विचार विमर्श नहीं करना, वहां की परिस्थिति को देख करके उनको देखना। अपन यहां बैठे हैं उनकी क्या परिस्थिति है तो उनको समझना चाहिए। और कल जिज्ञासा समाधान इसी प्रांगण में होगा, शाम को लगभग 5 बजे तक वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर यहीं पर 6 बजे से कल का जिज्ञासा समाधान होगा, उसके बाद रात को पालना झुलाना वगैरह के और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो यहीं पर जिज्ञासा समाधान के बाद छुल्लक जी के प्रवचन और वो सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। कल सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पूरा समर्पण अपन को आदिनाथ भगवान के लिए दिखाना है। प्रतिष्ठान बंद है, शाम के लिए आपकी भोजनशाला बंद है, तो अपन को यहीं पर पूरा समय शाम को यहाँ खुली है, घर पे बंद है सबकी अपनी अपनी। हाँ, ऐसा वैसा भोजन नहीं करा रहे, लौकी ओकी नहीं खिला रहे, अच्छा भोजन है, आप चिंता नहीं कीजिए। बस सब लोग बड़ी आराम से निश्चिंत होकर के आइएगा और बड़े उत्साह के साथ आदिनाथ भगवान का जन्म कर लें। कई लोग मिठाई बांट रहे हैं महाराज जी अपने घरों से, जैसा आपने निर्देश दिया था, कई अलग अलग जुलूस के स्थानों पर विभिन्न प्रकार की चीजें भी बांटी जा रही हैं खुशी में, अपने अपने मंडल पर्सनल लोग। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी हमें मनानी है और बहुत अच्छा उत्साह कल टीकमगढ़ में दिखेगा। कल सब लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं महाराज जी कि कल हम लोग ऐसा उत्साह दिखाएंगे कि महाराज जी का मन महावीर जयंती भी यही मनाने के लिए पूरा बन जाएगा। कल पूरा उत्साह वो ही है। अब अपन जिस जिसको महाराज जी को महावीर जयंती के लिए यहाँ रोकना है और जो आदिनाथ भगवान को अपना मानते हो, एक एक व्यक्ति पूरे दिन भर उत्साह में रहना कि आज हमारे भगवान का जन्मदिन है और गुरुदेव का हमारे यहाँ सानिध्य है, ये उत्साह हम सबको बना करके रखना है। अब चयन करेंगे उस सौभाग्यशाली पुण्यात्मा पात्र का, जिसे आज के दिन पूर्व संध्या कहें भगवान के जन्म कल्याणक की, पूज गुरुदेव की महाआरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। 5151 रुपए जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने वाले पुण्यशाली पात्र का चयन कर रहे हैं। कौन होगा आज का वह महापात्र जो जगत पूज की महाआरती का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा? 5151 रुपए शीघ्रता से भाव परिषद कीजिएगा। और 11111 रुपए 11111 रुपए जगत पूज की महाआरती करने का परम सौभाग्य जिन लोगों ने भी अपने नाम महिला मंडल ने स्वीकृति दी है 12:30 तक यहाँ आ जाने, क्योंकि जलूस 12 बजे से जमना प्रारंभ हो जाएगा। जलूस बहुत बड़ा है, 1.5-2 किलोमीटर का, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो एक छोर यहाँ हो और दूसरा छोर छिंदी धर्मशाला पहुंच जाए, इतना बड़ा जलूस है। इसलिए रूपरेखा वैसी रहेगी, पहले आएंगे जो मंदिर वाले के हैं, जो पट्टी वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। कल महाराज जी ने कह दिया था जो कोई पट्टी में नहीं है वो पीछे रथ चलेंगे तो उसमें आ जाएंगे, बाकी अपनी अपनी पट्टी वाले अपनी अपनी पालकी के साथ आना है। और फिर पार्श्वनाथ धाम तो सब पूरी टीकमगढ़ की पट्टी का है, क्योंकि पंचायती मंदिर है, तो पीछे महाराज जी के पीछे रथ लगेगा, उस पे सभी लोगों को मानव रथ रहेगा पपोरा जी वाला, उसको खींचते हुए चलेंगे। 11111 रुपए 11111 रुपए 2, 2.5, 3 बोली जा रही है। 11111 रुपए 1, 2, 2.5, 3, 99, 11111 रुपए 3
ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री नरेंद्र जी, अभिषेक जी, अर्पित जी, मैनवार परिवार ने। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना करें। और अभिषेक और अर्पित भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं और नरेंद्र जी के परिवार के आ जाएं और पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर आज पूर्व संध्या की आरती करेंगे, कल आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक में पूज्य गुरुदेव की आरती बड़े उत्साह के साथ करके जाइएगा। मन बनाइएगा कि कल हमें दिन भर यहाँ पर उपस्थित रहना है। और परिवार के जो भी सदस्य हो, बोलीकर्ता के मैनवार परिवार के, आ जाएं और आकर के पूज्य गुरुदेव की आरती करें। पूरे उत्साह के साथ हम सभी को आरती संपन्न करनी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति, अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपी था, कोषाध्यक्ष
श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।